इंटरटेनमेंट जरूरी है, बिना इंटरटेनमेंट कोनो मतलब नहीं है। एक हास्य छोड़ के प्रसंग सुनावे चलते चलक नस साहब। प्यार में धोखा करती सदा नारियां, अरे हर कसे नारी के मर परेशान है, यार के संग उड़ाती है रंगरेलियां, अरे कारतूत को देख दुनिया हैरान है, चंदा के सामने वह चकोरी बने, समाज का डर नहीं बिकता ईमान है। अरे कैसे सुधरेगा घर और परिवार अबू, अरे काली नागन है जहरीली दिल जान है, सदा नारियां हर कसे नारी के मर्द परेशान हैं। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, प्यार करो, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार पाक और साफ हो तब, नापाक प्यार नहीं ठीक होता मेरे दोस्त। नहीं तो ढेर लड़कियां का आदत इतनी खराब हो गई पे, अगर खुदा न खास्ता अगर कोनो मिसकाल आ गए मास्टर साहब, अगर महिला वहां तरफ से बोल गई तो रात दिन ही मंगोरिये उतर रहे के एकदम और उठाई लेते, एकदम और उठाई लेते, कुछ बात कह ले तो उसका सिस्टम पे आई जाए, तो ऐसा जने जान ले कि उनके बैंक अकाउंट से ऐसा पैसा उन्हें निकाल लेते कि वो समझू नहीं पाते। कहना है मास्टर साहब, कोनो लड़की के बड़ा घमंड बाबूजी, आजकल कलयुग में लोगन के बड़ा घमंड होत, क्योंकि अपने सुंदरता पर घमंड होत है, क्योंकि अपने धन दौलत पर घमंड होत है, क्योंकि अपने सास समाज पर घमंड होत है, क्योंकि अपने मेहरारुए पे घमंड होत है, जैसे कि तोहका घमंड है अपने मेहरारू के ऊपर, है ये है न मेरे दोस्त। कोनो लड़की के घमंड बा तो उ लड़कवा गुस्सा में लड़की बा कहत का बा का, अरे चला दो चला दो, अरे चला दो उन हसीनों को, हसीनों को अरे चला दो, अरे उन हसीनों को जो खुद पर नाज करती, अरे गिरा कर अरे चुल फकालो पर गिरा कर, अरे चुल फकालो पर हमें बदनाम करती है। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कवि जी की बड़ी कोटेशन प्रो लाइन है मर साहब, देखा चालू कर भैया, हेलो देखा सुख, हेलो हेलो छोड़त पकड़ता है, चलो ठीक है। अरे घटा जब खिर ही जाती है, अरे घटा जब खिर ही जाती है, जवानी छल छलाती है,
कमर चुन, कहना है कदम चुन चुन कर रखती हूँ कमर बल खा ही जाती है। कदम चुन चुन के रखती हूँ कमर बल खा ही जाती है। बिरहा सुनने वाले मेरे दोस्त, जवानी बड़ी बेकार चीज है मर साहब। भले बांधले कोई दरिया का पानी मगर ये जवानी बांधी न जाए। मेरे दोस्त, जब लोग 16 बसंत को पार करते हैं, 18 से 25 30 साल जो अपने आप को संभाल ले, उसे बड़ा पहलवानी धरती के उबा नहीं। मेरे दोस्त, हमें से कहानी के शुरुआत है। कहानी किस समय की, कैसे किस जगह मोड़ ले रहे, नजम कलाइन मास्टर साहब। चल मास्टर, ये भैया चाहिए भेजवा दे, बड़े भाई चाय की व्यवस्था कराए, अगली पार्टी की चाय जरूरी बा। तो कहना है मार साहब, हो जाए यार, बैठ जा बैठ जा, तुहार हम कब बस देखते, बैठ जा। चलो मास्टर साहब, एक क्योमा वाला उठा के धरते, कमुआ चलत रहा यार भाई। मामा जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार, चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। चढ़ी जवानी में सुर हो सिंगार करे, चढ़ी जवानी में सुर हो सिंगार करे, यार के साथ घूमे घूमे और बिहार करे। एक दिन पूछे मरद कहवा तू घूमई गईलू, 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 छतरान केस कहाँ जवन सवारे रहलू। ए पंचो बाप सब बिरहा सुना, बड़ा छोटा प्रसंग बिरहा के। एक स्त्री है जिस कि चाल चलन ठीक नहीं है, मजदूरी करता है पति, रोज सवेरे 8-9 बजे नहाए धोए मजदूरी करे निकल जाए, और दुल्हनिया को बढ़िया लाली लिपस्टिक लगाई के अबार और झार के मार टोला मोहल्ला पास पड़ोसे इधर से उधर अपन लाइन लगाए रहे। मर्दवा सोचे यार कि हमार कमाई करत करत पूरी जिंदगी बीती जात, तो हमका परापत नहीं परत, आज हम अपने औरतिया का परीक्षा ले। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, कहानी पर गौर करेंगे, हास्य रस का बिरहा है। आज दुल्हन को बढ़िया खाना पीना बनाए दे, कहन खाए ले जा ड्यूटी, बाबू जी मजदूर आदमी गरीब आदमी खाए पिए जवन चटनी रोटी नमक रोटी रही मास्टर साहेब, खाए हुए अपन मजदूरी पे चला गया। जात बा रास्ता मौका शंका होगी कि यार ससुर हम इतना दिन से कमा धमा है, इतना लिया एक देता है, एक लाली लिपस्टी भरे खोद बा हमारे कुछ समझ में नहीं आवत बा। मर्दवा मेरे दोस्त आधी रास्ते में रुक गया, सोचे सका 2 घंटा बीत जाए, जब हम चली देखी हमार दुल्हनिया बा कहाँ। बिरहा सुने वाले पंचव, जब 2-3 घंटा उ रास्ता में बिताए
पिता जब खरे चल दे काम पे नहीं गया तो कर दुल्हन एकदम सज संवर के लाली ओली एकदम लिपस्टिक पायल छम छम छमपम बाजत बे एकदम रंगरेलिया मनाने निकल पड़ती है। अमर दयाए के दुबारे बैठ गए सोचे हमरे मलकी ना बाबाई जोहत जोहत घड़ी मास्टर साहब ढाई तीन बज गए। जब ढाई तीन बज गया तो पार ओर से छितरान दुल्हन पहुंची मर्द कहे कसो कमात कमात हमारे एकदम हड्डी भरी जात हुए और तु सवार वार गई रही छितरान कहा बा दुल्हनिया जान गए कि मर्द के हमारे शंका दुल्हन बड़ी होशियार टाइप करा है चंचला टाइप करा है दोस्त तौड़ के बाबूजी मर्दवा का पैर पकड़ ले कहे सैया हमका माफ कह दे आज के बाद हम कहूँ घूमे टहले न जाब लेकिन हमार एक हिमांगन बहुत तू पूरा कह दे बस। मर्दवा सोचे चला जवन करेस ठीक करेस अब एक मांगन ही मांगत पे एका दई देता ही आई जाए शौक से रहा है हमारे साथे बढ़िया तरीके से कुशल जिंदगी बितावे। बिरहा सुने वाले पंचो दुल्हनिया मर्दवास कहे काम आए स्वामी हमका एक चीज बड़े छोड़ दे दे कहे बोल कहे मेरी अभिलाषा है मैं रोज गंगा नहाने जाऊंगी। मर्दवा सोचे से यार अब इस घूमे एक बहाना नहीं पावत बती गंगा माँ एक नहा एक दाव लगावत मर्द सोचे अगर हम इनकार दे तो हमके पाप लागी भैया भैया आप हमारे बड़े भैया राजू प्रधान जी खजुरिया तर हेता पड़ी की धरती से 100 रुपया पुरस्कार राजू भैया बहुत बहुत प्रणाम है बहुत बहुत तमन है। ऐ बाबू मर्द सोचे अगर नहकार दे बढ़िया पुण्य वाले काम में सारा पाप हमका लाग जाये तो मर्दवा का ही बताओ ते गंगा नहाए करबे का गंगा नहाए कि आओ रोज जवन गांव के पीपल पेड़ बा पीपल का थान बा वही जल चढ़ाओ भगवान से मांगब कि हमारे घरे गरीबी दूर हो जाए। मर्दवा सोचे चला ठीक है जाए तो एक लाइन तरह लगा दू मास्टर आप राजू प्रभु जी नाथी ये आप तरफ से 100 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है। आप 200 रुपये का पुरस्कार परम आदरणीय परम सद्धे बड़े भैया लादेव यादव प्रधान जी पूर्व प्रधान शेरडी आप तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार शैलेंद्र यादव और लादेव भैया क्या बात है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत नमन करता हूँ माई भगवती कल्याण करें। आप राजू भैया दीना बाबूजी के सुपुत्र साहब की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार है बहुत बहुत प्रणाम है बहुत बहुत तमन है। एक लाइन तरज मास्टर का ए भैया चहिया मंगवाए दे प्रधान जी फोन कह दे चहिया आ जाए तरजिया का लाइन बा आप राजू भैया कलेक्टर बाबू साहब के भतीजे साहब आप 100 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है बहुत बहुत तमन है। अरे नाने म फूले फूला नवाए नाना दी बाजेला बधैया दुआरे पे लेकिन भाव दिया गया। अरे गंगा में कई के आसा नाना वाए दूलाही चलावा चढ़ावा रोजा पिपरा पे बोल दे राजू मतलबी के नाती आप तरफ से 100 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है बहुत बहुत हम सुनाए देते हैं बहुत बहुत प्रणाम भाई 11 रुपया पुरस्कार है माई भगवती कल्याण करें। कहना है रोज रोज कार जाए गंगा या सनाना
जलवा चढ़ावै रोज पिपरा पे पंचौ रोज गंगा नहाय जाय लागे तो चार जने से ओकर दोस्ती होई। रोज जब घरे से साड़ी ले मेरे दोस्त और नहाय वाला लोटा ले मास्टर साहेब आ लोटा ले ततुइन कूचत जब चल दे तो सबसे पहले गुप्ता जी मास्टर साहेब चाय के फ्राई दान चढ़ाए भट्टी पर आप बैठा रहे आप जब दुल्हनिया का आवत देखा तो एकदम छन्नी लगाए चाय लागे छाने आवा आवा तई चाय पिए जा बाबूजी और चंचला नारी रहबे करे एकदम दतुन छील उल के मास्टर साहेब और एक कप गुप्ता जी चाय दे आ चाय पी के जब पैसा दे लगा तो गुप्ता जी कहे ना है पैसा ना तुसे अब मुस्कियाए दे गुप्ता जी कहे बस बस हमार काम बनता है और आगे बढ़ाए। मास्टर साहब चौरसिया जी एकदम पनपट्टी दुकान उकान लगाए गोमती के अंदर आप लाला राम यादव बाबू जी पूर्व ग्राम प्रधान शेरडी 100 रुपये पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है। राज ठाकुर भैया की तरफ से 21 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है बहुत बहुत मन है। ए बाबू दूसरी दुकान पर जब पहुंचे चौरसिया एकदम चूना कत्था लपेटे पान उन बैठा रहे अब बोलावे कहे दुल्हन आवा आवा दुल्हन आवा पहुंचे मेरे दोस्त एकदम गोलकी सुपारी अलमका सरवता चौरसिया चलत रहे अब भोला छाप जाफरानी जर्दा मिलाए लपेट के पान दे जब पान थमावई पनवा थाम तैसे उड़िया ऐसे दबाई दे चौरसिया कहन बस बस काम बनता और आगे पहुंचे मास्टर साहेब तो एक महाजन लाई गट्टा की दुकान लगाए रहे कहा मलकिन जा नहाय ले जात की लड़कन भरे लाई गट्टा ले लू मुस्कियाए दे लाई गट्टा वाले ससुर सोचे कि हमार काम बन गया इतना गंगा का नहवैया है ना ऐसा आज तक कस्टमर हमका क्यों मिला बाबू जी इतनी सुंदर रहे चंचला स्त्री रहे दुनिया को फसावे वह काम रहे ओकर गई नहाय नहाय के जब बाबू जी गंगा माई के फूल उल चढ़ावे के भो तब माली अशोक भाई अब माली एकदम सजी डेलिया फूल से दई देस आ चढ़ाए लेस कहे ला पैसा ले माली कहे नहीं नहीं जा तू रोज आवत गंगा नहाय मुस्कियाए देस मलिया सोचस बस बस हमसे ही अरे बाप रे बाप रोज काम ही हो गए दुल्हनिया का गुप्ता जी से मिले चौरसिया से मिले लाई गट्टा वाले महाजन से माली से मेरे दोस्त नहाय कावे एक कमंडल जल पीपर एक पेड़े पे चढ़ावे मर्दवा सोचे साहब जी नहाय जाए तो हम पीपरे खोड़े में बैठ के सुनब कि एकर कितना बड़ा मानता बा एक लाइन तरद मास्टर के हैं यार इनका बैठाए दे यार ये दुइये बजे साफत करें ये पिल्ला खोदता है धरती पे दांत तो दिखता था जब फसल का है बेचारे अरे अपना रहा बे सैया कोनो दुल्हन अपने मरस कहा तो कमाबा धमाबा की देहात में रहस काम होई अरे अपना रहा बे सैया अरे हम कच्चे घर में पकत कवाई तो बड़ा मुआ पकत कवाई तो बड़ा मुआ दिल्ली शहर होता भी न सार गईली
आ गोरी हो अचरा फैला के मांगे ली नमा नहाई के तू ही जवन गांव के पीपल के पेड़ पर थान पर मर तू ही पहले से आई के बैठ के दुल्हन गए मुखारी करस गुप्ता जी चाय पिए चौरसिया पान खाएस मालिश फूल फिरिम फूल लेके चढ़ाएस और लौटानी लाई गट्टा लड़किया भरे अलग जब मर्दवा दूरे से देखे सब मोर मलकिनिया आवत बा तो पंचव पिपरवा पेड़वा पर चढ़ गया आ चढ़े के बाद उन्हें की खोड़हर रहा हूँ खोड़हरे में छुप के बैठ गया कि देखी आज मोर दुल्हनिया जल चढ़ाई के आचर उठाए के कवन मागन मांगा था ए पंचव इतने में दुल्हनिया मास्टर साहब पिपरे के थाने लगे पहुंच आए पंचव और जल्दी से मास्टर साहब एक भाई कमंडल उठाए धीरे धीरे धार बनाए खल 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 जब जल चढ़ाए के ऐसे पीपल देवता गोड़ छुए सुकरे बाद सूरज भगवान से आचर फैलाए कहत का वो मास्टर साहब टेरी के लाइन लगत था अरे राम जननवा काली नागन बन गई काली नागन बन गई अरे गंगा मैया यान हर कई दाम और सजनावा जननवा काली नागन बन गई देवता हे गंगा माई हमका दहजरा के नाती घूमे टहरे नहीं जाय देत हम माई रोज नहाई के त्वार दर्शन करित पीपल देवता तो का जल चढ़ाई थी हमरे उनका आनहर कही दे तू हम आजाद हो जाए घूमी टहरी तब तब मर्द खोड़े कन कन बाप रे यही बरे इतना गंगा नहा जात हम आनहर हो जाए दुल्हनिया कहत काब मास्टर चौक लाइन बा वाले पंचव जब कहा पियरी तुहें तो चढ़ाऊबे मैया आनहर हो ही पिया हमार तब तो मुहि खोड़हरे में सम्मर्द अपन मोटी आवाज कही के गिरे देवी मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ अरे बाप रे बाप तब दुल्हनिया कहा अरे बाप पीपल देवता आप साक्षात बोले लगे कहा सुनो तुम्हारे पिया अंधे हो जाएंगे लेकिन एक काम करना होगा हे पीपल देवता तुम वहां मुंह बोला भगवान करे कापरी कहन तुम सुबह शाम अपने मर्द के घी खिचड़ी खिया घी राय पच
50 ग्राम घी रहे और बढ़िया खिचड़ी खियावा तो हर मर्द धीरे धीरे 10-15 दिन में कहा है ना इस भगवान 10-15 दिन ना इस 6 महीना हो जाए 6 महीना मानहर हो जाए दहेज रखनाती तब हमार कल्याण हो जाए कहन जा हो जाए। अरे बाप रे बाप दुल्हन जल्दी से लोटा वोटा उठाए ससुर आए घरे एकदम चूल्हा मागी बारिश बटुआ धाय का धान दे दे मास्टर साहब उर्दी की दाल और चाउर और मिला के लगी खिचड़ी ठावे आ खिचड़ी डाय दे से तने में पीपरे तो खोड़हरे से मर्द उतर के आए आ मर्द उतर के आए कहा कसो आई गयो आए संज्ञा आए गए आज हमारा आत्मा एकदम खुशी कहन मतलब कहन आज पीपल देवता साक्षात दर्शन दे दे देखे हमारे तपस्या में कितना दम बा कहन हाँ साक्षात बोल दे कहन हाँ बोल दे कहन जा कहन का बोले नहीं कहन पीपल देवता कहन जा तोरे घरे गरीबी दूर हो जाये मर्द सोचस बार मेहरारू हम पीपल में खुदे ससुर पहलवान बन के बोलत रहे हई कहा बेटी घरे गरीबी दूर हो जाये कहे हैं कहा संज्ञा ही खुशी में हम तोका रोज घी खिचड़ी खियाई पंचव जवन मर्द 50 ग्राम घी सुबेरे 50 ग्राम घी संझक पावई लगी ओकर जवन ई सब हड्डी उड्डी निकरी रही धीरे धीरे उफारे शुरू कर दी आपके 42 से 46 सीना उना हो लग दुल्हनिया सोचेस पीपल देवता गंगा माई कृपा झूठे बका भाई घी खिचड़ी खियावत मजे एक दिन हो गई दहजरा नाती एकदम मुझंडा हो जाती के कहा एका दुबराय पतराय चाहे रोशनी कम हो चाहे लेकिन खाए खाए सुसुआन आवत बा रोज नहाए के आवई जल चढ़ावे हे पीपल देवता जल्दी आनहर करा जल्दी आनहर करा मर्दवा सोचे सब कौनो बहाना करी नहीं मेहरारू हमार क्यों खिचड़ी बंद भाई जब ओकर मंगने ने पूरा हुई तो एक दिन मर्दवा जब गुलहनिया नहाए खाए मेरे दोस्त सवेरे ठीक ठाक रहा रात में अपने दुल्हन से कहत का मास्टर हिया प्रयागराज खाटी इलाहाबादी धुन लगत है अरे हाय 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 अरे धीरे धीरे दुल्हन से अरे धीरे धीरे दुल्हन से पियावा पातिया मर्दवा कहे देखा तू हमार अर्धांगनी यहू तो से कुछ छिपावे नहीं चाहिए हमार दुख सुख के साथी यहू कहन बोला का भा कहन का बताई घी खिचड़ी खियावत यह शरीर तो हमार बनत यह है लेकिन हमारे अखिया का रोशनी एकदम घट गई तनिको हमका देखात नहीं धुंध देखत दुल्हन अंदर ही अंदर मास्टर साहब लड्डू लगा फूटे मन में कहे हे गंगा माई हमार सुन लिहु मामा दवाई असर करत बे पंचव दुल्हन फिर गए सुबह नहाए जब नहाए के आए धीरे धीरे रात होगी मास्टर साहब
रात हो गई, मर्द अपने दुल्हन से कहा आप परम आदरणीय परम सदैव परम पूजनीय हमारे हृदय के गार्जियन बड़े भाई बड़े ही अजीज मित्र शैलेंद्र यादव लादे प्रधान जी शेरडी की ऐतिहासिक पावन सरजमी से 251 रुपए का पुरस्कार चरणों में प्रणाम है नमन है आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे माई भगवती हर मोड़ पर तरक्की दे परिवार में खुशहाली रहे मेरे दोस्त कहना है पंचों गौर कराए आप सब जब दुल्हन नहाए जाए लाग तो गुप्ता जी भाई चाय छन्नी से चाय छानत रहे कहाँ आवा 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 बाबू जी बढ़िया कराई में चाय देहन वो चंचला स्त्री चाय पियस कहे सुना कहे बोला कहे ढेर दिन चाय पियावत आ तू हमका अब काम बना कहन मतलब कहन वो हमरे आनहर होई गे कहन आनहर होई गे कहन कैसे कहन गंगा माई पीपल देवता मुँह मुँह बोला रहे घी खिचड़ी खियो बुत आनहर होई जी कहे बड़ा फ्री चाय पिया आज तू 8 बजे हमारे घरे आया आया आ दोनों जने खूब मौज बहार लूटा भैया भैया ले 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 इधर 2-3 जने के दे दे ए बाबू और आगे बढ़ी चौरसिया चूना कत्था लगाए एकदम भोला छाप जा पुरानी गोलकी सुपारी लमका सरौता खचखचावत रहा कहे लपेट के पान देन कहे ले पान लेस दो सब मुस्किया कैसे चौरसिया तोहरे पनवारी कसम खाए कहा तही तोहरे कृपा से हमारे वो आनहर हो गए तब काहे बड़ा फेरी पान किया तू 9 बजे आवा चौरसिया कहें डबल बीरा पान लगाए के लेके आऊ समझ लग खाए के सुहाग रहते ही मनावा जाए चौरसिया 9 बजे टाइम मिल गया वो आगे बढ़ी लाई गट्टा वाले महाजन से कहा रुका रहा नहाई काई तो कुछ बात कराई लाई गट्टा वाले महाजन के मने मास्टर 61-62 हो ला कि कहा कुछ बात कराई क्या है बाप रे बाप गई नहाए धोस मलिया एक डाली फूल दे चढ़ाए कह सुना बड़ा फूल उल दे कहन तब कहन तू आज हमरे हिया 10 बजे आ जाए कहे मतलब कहन हमरे वो आनहर हो गए 3 जने 3 टाइम दे दे गुप्ता जी की 8 चौरसिया कन्ना माली के 10 लौटत की लाई गट्टा वाले देखा था दूसर गहकी आवा था लेकिन गुप्ता जी लाई गट्टा वाले महाजन जी ना वह कहे वो कुछ बात करे की कहे कुछ बात करे के इतने माएगी नहाए की कहा ले लड़कियन बड़े चबैना ले जा लाई गट्टा ले जा कहा कुछ बात करे कहा तो कहन हाँ बड़ा लाई गट्टा दे हमारे वो आनहर हो गए कहन तब कहन आज तू हमारे घरे 11 बजे रात आया 8, 9, 10, 11 चारों दने के एक एक घंटे के अंतराल पर टाइम मेरे दोस्त दे दिएस एक एक घंटा का अंतराल पर टाइम दे दिएस और इधर पहुंची धीरे धीरे रात भाई मर्दवा होशियार रहबे करे मेरे दोस्त होकर आंखी ते आनहर भाई ने रहा सोचस कि हमार दुल्हन बड़ी चंचला बा कुछ न कुछ होशियारी करे बा कहन ऐसा है सुना मलकिन आज हमका खाना पीना दे के हमार माचा जोन बा मास्टर साहब ओ सारा में लगावा और तू भीतरे में सोवा गहना गुरिया बनाए चोर चहरी जमाना में कुछ ससुरे लूट ले जे हम आना रहे हम करब का अब हमका दिशा मैदान में होत दिक्कत दुल्हनिया सोचे सी है हम चाहते ही रहे अब बाबू जी ओ सारे में माचा जब बिछा मर्द लेटा अब मर्द लेटा कहे तनी एक ही हमका लाठी दे देते कुकुर बिलार ससुरे आवत रहती अब दुल्हनिया एक मोट के लाठी हुरादार वही मुड़वारी के धई देस अब मुड़वारी के धई देस अब मेरे दोस्त बिरहा एकदम करीब बाप सब गौर करे पंचो करत का बाप वही जवन माचा को और चावन रहे मास्टर साहेब वही और चावन एक ही खोल बैद भवा सोचे अगर क्यों ससुर आए तो हम दरवाजा के अंदर प्रवेश ना करे दे खटकाए दरवाजा खमिये रस्सी फसाए कसे उनकर काम हाँ तो मास्टर साहेब यहाँ पहपट के लाइन लगा की बेला में अरे थी फंदा कैले बा तैयार रात की बेला में अरे समय से पहुंचे ठेला यार के वार रात की बेला
चीज जान ले, गलत काम का गलत नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। जान ले गुप्ता जी 7:30 बजे से मास्टर फिटाक रहा है, कहने सूरज देवता तू अपने माई बाप कोरा में जाता जल्दी ससुर 8 बजे हम चली ताज हमका। अब बाबू जी गुप्ता जी मास्टर साहब सोचे न ऐसे कुछ मीठा मुँह हो के ले चली, अब बढ़िया छेना ओना वाला रसगुल्ला पैक कोई कराए न भाई। घड़ी में देखें धीरे धीरे 8 बजे मास्टर साहब पहुँचन दरवाजा, ऐसे खटखटावे चाहे न वैसे वो आनहर तबाना है भाई, और चावन वाली रस्सी खूब गोलाधार बनाए बा, अब फसाए के बोले चाहे तब देश तो उनके मुहे सवाज टांग पकड़ के वही माचक नीचे डाल दे। आ धीरे धीरे फिर घड़ी की सुई 9 कोर क्रॉस कर चौरसिया मीठा पान वो लगाए। अरे बाप रे बाप, एकदम पाने ओने एकदम कुर्ता उर्ता पहने चला आप बाबू दीनानाथ शेर डी की धरती से सुना देते है बाबू, बस आखिरी भी रहा चल तो हर फरमेसिया हो जाए 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है बाबू। चौरसिये वान पंचव जैसे दरवाजा खटखटावे चाहत है वैसे उन्हों गले काम तमाम हो गए। धीरे धीरे मास्टर साहब मलिया उ मार गजरा वजरा बनाए, कहा आज माला पहनाए के प्यार प्यार मोहब्बत हो सेंट उंट केवड़ा उड़ा अपन खूब छिड़के उड़के महकाए चलाए। पंचव जैसे दरवाजा स्पर्श करे चाह कस के बाबूजी कस दिया एकदम फंदा और मलियो का काम। मर्द कहे ससुर यार कई मर्द बुलाए रही, अरे बाप रे बाप वो अंदर हुआ जोहद बे के रे बाप रे बाप न गुप्ता जी आए न चौरसिया आए। अरे मलिया दहजरा का नाती मोर सच्चा प्रेमी रहा वह नहीं आए, इनहान तीनों नहीं आए लेकिन लाई गट्टा वाले महाजन जरूर रही है जरूर रही, और नहु लाई चना उना गठिया ले ले मास्टर साहब। हाँ आप खरैया मलिकार साहब परम पूजनीय बाबू कल्लू पहलवान बाबूजी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार, माता जी की आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त हो मेरे दोस्त। आप जान ले प्रभु कृपा इसे बनी रहा आप दीर्घ बाबू हमारे एकदम आखिरी चलता है। हाँ बस 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 आपके आदेश को पालन। लल्लू उर्फ मतलबी उनका लड़का धनपत भैया की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा सुने वाले पंचो इतने लाई गट्टा ले महाजनऊ आए दरवाजा खटखटावे चाहन फंदा कस देस मेरे दोस्त। चारो जने काम तमाम हो गया, अब मोछा पताओ दे के बाबूजी लगा खर्राटा मार के सोवे। आ दुलहिन जोहत जोहत 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक जो है सोचे दहजरा कनातिन उसे मतलबी दोस्त यार रहन के वाई हुई बाबू जी वो चदरा ताने दुलहिन अंदर सोई गई। धीरे धीरे जब भोर के बेला भाई आल्हा का लाइन लगत मर साहब परम आदरणीय परम सद्धे हमारे भैया श्री शिव बाबू यादव फौजी साहब जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी गंगापार प्रयागराज उत्तर प्रदेश निवास स्थान छतनाग नागेश्वर मंदिर झोंसी प्रयागराज। मैं आपको क्रांतिकारी जय हिंद करता हूं, आप मादरे हिंद की हिफाजत किए आज सकल समाज की सेवा में जुट गए हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं नमन करता हूं। जब भोर होगी चाचा
तुलहिन भोरहियम जब केवारा खोल के निकल चाहे घरे से सोचस काम काज देखी तो होत काब मास्टर अरे खोल के केवार जाबा निकाली बहरवा बाबू बड़े भैया बांके लाल यादव जी सैदाबाद की धरती 100 रुपये पुरस्कार है बहुत बहुत प्रणाम है बहुत बहुत नमन है। आप परम पूजनीय श्री बाबू लाला राम यादव जी पूर्व प्रधान शेरडी की धरती 100 रुपये का पुरस्कार चरणों में प्रणाम है आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कलाम कामयाब रहे। अरे बाबू गौर करे आप सब जैसे दरवाजा खोल के निकली चार जने के लाश देखे दुल्हन एकदम ठकरा मार के जमीनिया पे गिर गई करे बाप रे बाप ये चौरसिया है गुप्ता जी है मलियाऊ बहमा चार के चारा वाए हैं बाबू जी इतने मर्द उठाए लाठी कहे तोरी मेहरारू की करे चारो जने बोला रहते बाबूजी दुल्हनिया गोड़वा फहराई परी मर्दवा कह रुक जा हम थानेदार साहब को सूचना दे थी कि दयु जेका मेहरारू दे तोरी के देसी दे ये बाप रे बाप तो एक जने चार चार ससुरंग बोलाए रहे दुल्हन कहे बाबूजी थानेदार साहब आई जही तो मामला सब गड़बड़ हो जाये मामला गड़बड़ हो जाये पकड़ जा भाई सब सत्यानाश हो जाए गांव देश टोला मोहल्ला जान जाए बड़ी बेइज्जती होई। अरे बाप रे बाप मर्द कहे बार मेहरारू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात तो मर्दवा सोचे यार चारों को मार डाले ये बहवाई कैसे गंगा जी में हम जाए कैसे इतने में सवेर रहा इसे ठंडी के सीजन मास्टर रहा कोहरा गड़ारी पड़ा रहा लोग लेट उठत रहे और सवेरे सवेरे टहका डंडा ले कटोरा ले मंगता आई गए मंगताई कहे दुहाई बाबूजी आज पहले ही बार दुआरे आई यही अब बोहनी हमार खाली न जाए चाहे बोहली खाली न जाए चाहे तने मर्दवा कहे बस बस हम अपन काम बनाए ले अपन काम बनाए ले पंचो कहे ऐसा है तबे दिन भर में कितना घूम के मजदूरी पाई जाते मंगता कहे साहेब धरा दुई धरा जुगाड़ हो जाता मर्द कहे मोर एक ठीक काम है तय कही देवे अगर दू धरा पाव तो का मार धरा दे मंगता सोचे दस दुआरे टहरे से बढ़िए ससुर एक काम कही दे दस धरा मजदूरी आठ धरा पाई जाई कहन कब कहने की मुर्दा है ससुर ही फेंक देता बस तो कहा मजदूरी कहन कहाँ ब कहन तू ही राम लिया हुआ तही वह बाबू जी टांग पकड़ के एक जने के लिए मर्द अब मंगता बाबू जी उठाए कान्हे पलादेस नफन न कफन ले गोवा गंगा जी में ढकेल के आवत बत्ता भरे में मर्दवा दूसरी उल्लास निकारे ब दूसरी उल्लास निकारे ब मंगता आए कहे भाई साहब मजदूरी दे चली कहने यार तू चूतिया हक में नहीं अरे यार कैसे फेंका फिर ससुर चला आए मंगता सोचे सी यार कि हम फेंक के आए ससुर भाग कैसे आए फेंक के तब तक मर्दवा तीसरा निकारे रहा मर्दवा मंगता है कहे दे मजदूरी चली मर्दवा कहे यार तो आदमी है पैजामा कहन का भाई कहन कैसे ससुर के फेंका था कहना ससुर भाग गया बता मंगता गवा फेंक दे तीसरे फिर लौट के आए तो चौथी निकाल रहा है कहन दे मजदूरी चली कहन यार हम पागल है तू पागल है मंगता चोचे ससुर हम मुर्दा सारन फेंका तो भाग भाग आवत है वह गुस्सा में चौथा जनक मास्टर साहेब उठाए उसका जेका ससुर चल तह पानी में गटाई में हिल जाओ तब फेंका देखी सार कैसे भागत है तो आखिरी खड़ी के लाइन में कहना है उधर से तैयारी रहे आप बाबू बांके लाल यादव सैदाबाद की धरती 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है बहुत बहुत मन है कहना है बहु बीचे धारा बिचवा अरे का बहु बीचे धारा बिचवा अरे चौने लौट के नया वही दोबारा बच्चा यादव जी
आप नगर निगम उत्तर प्रदेश सरकार खजुरिया धरती 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। कहा एक बहुबे बीस धारा बिचवा जौने लौट के न आवई दोबारा अल्लाह गवा धीरे धीरे पंचो इतने पानी में हिला जब और दबान जात मुर्दा उर्दा बोझा समझते यहा दबान जात सोचे सच्चे फेंक दे हो रही भाई रहा मास्टर साहब एक जन वही दिशा बैठा ओटे बालू रेती कोटे वही बैठा रहा है। अब बाबू जी सवेरे सवेरे से ताकत लगाए जब उठाए के से पानी में कौनो भारी चीज फेंकबा धाई से आवाज आई होत का मास्टर अरे धाई के आवाज जब पड़ल सुनाई अरे दिशा बैठा रहले एक जन भागले पराई एक जने दिशा बैठा रहे जब फेंके पानी में धड़ाम से बोला दिशा बैठा रहे जल्दी पानी छू के भगन सोचन कवन शैतान ससुरत न सबे जब भगन मंगता देखे सरे बाप रे मुर्दा की। चार दाई फेंक चुके पचमी दान मुर्दा ससुर भगा जात बा रे बाप रे मर्दवा लोटा ले पाछे देखे कह ससुर शैतान यही फेंके बम का और भगा जात मेरे दोस्त होत कमर साहब पाके लाल यादव सैदाबाद 54 रुपया बहुत प्रणाम है। कहा अरे सरऊ छोड़ अब न सरऊ तुहार पिछवा अरे छोड़ अब न सरऊ तुहार पिछवा अरे जौने लौट के नया वही दोबारा ए भैया फिर से आए बता दे बिसर गए तो अबे कचौरी नहीं खाए ना कम से कम 33-35 खाई आप परम आदरणीय श्री बचाई लाल यादव बाबूजी की ओर से ना भैया 200 रुपए का पुरस्कार चरणों में प्रणाम है आशीर्वाद दिन हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे बाबूजी जब पहेट लेस मंगता दौड़ाए लेस कहे ससुरार धरा मजदूरी मिलवैया रही मुर्दा ससुर के चक्कर में कऊ धरा नहीं पाए आई सर्वा चार दाएं फेंके पचवी भार भगा जात होत का मास्टर अरे कुछ दूरी दौड़ा गिरी परा भाराई अरे झोली झंडा सब हमरे ठेना वही पे जा लड़ा वही मंगता गिरी कहा ससुर इस मजदूरी हमारे ठेंगे चार दाई फेंके ससुर पचवी बार भगा जात हम दिन भर से दौड़त रहा मांगत रहा लेकिन इस मजदूरी हमारे कामे नहीं आई दस दुआर देख ले दुइये धरा सही ससुर ना धरा सही झोली झंडा वही मर्द के दुआरे छोड़ के मोछा ताव देश कहे समाज दूसरे दुआरे कुर्तो में अपने लहाई ले ठेके जाए मेरे दोस्त होशियार मर्द अपनी पत्नी की चालाकी जान गया और चार जने काम तमाम करके 1 रुपया मजदूरी नहीं देश इसीलिए इस बिरह का शीर्षक रखा गया होशियार मर्द उर्फ बेवफा नारी स्त्रियों को सीख लेना चाहिए अपने पति के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए और मर्दों को अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझकर बाबूजी घर में सकुशल उनकी व्यवस्था देनी चाहिए। गुरु घराने के परिचय स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पंधारी कथन किया कर फूल चंदमा सारथ की बलिहारी अरे राम जननवा काली नागन बन गई अरे इलाहाबाद या भाई पुर्रा कसके भावना